आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड आइसक्रीम, जो बहुत ही कम सामानों में बाजार के जैसी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 कप दूध, यानी करीब 500 ml दूध, जिसे मैंने पहले से एक बार उबाल लिया था। इसको थोड़ा देर चला लेंगे। अगर आपने कच्चा दूध लिया है तो उसे थोड़ा उबाल लें। यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक हम उसको चलाते रहेंगे, उसको लगातार चलाते रहेंगे, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो नीचे से लगने लगेगा। ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच पहले से ही ठंडा दूध निकाल के रख लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है करीब 2 चम्मच मिल्क पाउडर, उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, हमारा दूध फटता नहीं है। अब हम मिल्क पाउडर को दूध में ऐड कर लेंगे और उसको लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा दूध बिल्कुल उबलने लगा है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक हाथ से चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से कस्टर्ड पाउडर डालते रहेंगे, उसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो वो अंदर से चलने लगेगा। ये देखिए हम जब ये हल्का गाढ़ा होने लगे तो और तेज़ी से इसको चलाना शुरू कर देंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए हमारा कस्टर्ड एकदम रेडी हो चुका है। इसको 1-2 मिनट और चलाएंगे। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम इसको इसमें बर्फ नहीं जमाएंगे, खाली इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप क्रीम लिया है, उसको अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मैंगो का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। जब हम क्रीम व्हिप करते हैं उसी टाइम आप मैंगो का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा क्रीम व्हिप हो चुका है। अब हमने जो कस्टर्ड फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब उसको क्रीम में मिला लेंगे और उसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे। येलो कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को तब तक व्हिप करना है जब तक कि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिलना चाहें, यानी 5 से 7 मिनट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा क्रीम रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हो। और इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। 1-2 घंटे के बाद हम वापस से इसको बाहर निकालेंगे और वापस से इसको व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये रेडी हो चुका है। अब इसे जमाने के लिए हम लोग एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे-छोटे कंटेनर लिए हैं और उनको उससे फिल कर दिया है। अब हमने उस पर उसका ढक्कन लगा दिया है और उसको 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे, यानी फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है आइसक्रीम। अब इसको हम थोड़े कोकोनट, घिसे हुए कोकोनट, कटे हुए बादाम, काजू और थोड़े से चेरी से डेकोरेट कर देंगे। जब आप फ्रीजर में से उसे निकालते हैं तो उसे 5 से 10 मिनट के लिए बाहर ऐसे ही निकाल के छोड़ दीजिए, नहीं तो वो जल्दी निकलता नहीं है। ऐसा लगेगा कि हमारा आइसक्रीम बना नहीं, वो पत्थर के जैसा दिखता है। लेकिन जब आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको बाहर रखेंगे
तो वो अब आराम से आप उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने 5 से 10 मिनट के बाद आइसक्रीम निकाली है। दिखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार के जैसे। तो इंजॉय करिए।